नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे गरीब सांसद के बारे में। कौन है बिहार का सबसे गरीब सांसद? कौतूहल और जिज्ञासा तो आपके मन में भी होती होगी, क्योंकि आम तौर पर नेताओं को तो हम अमीर ही समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बिहार के सबसे अमीर सांसदों की पड़ताल भी दिखाई थी। इसके तहत हमने चल और अचल संपत्ति के आधार पर अमीर सांसदों की लिस्ट आपके सामने रखी थी। चुनावी सुधारों पर नज़र रखने वाली गैर सरकारी संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट को आधार मानकर हमने आपको बिहार के टॉप 5 अमीर सांसदों की सूची दिखाई थी। एडीआर भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। आज हम चर्चा करते हैं बिहार के सबसे गरीब सांसदों की, जिसके तहत हम आपको बताएंगे टॉप 3 सांसदों की जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। बात करें अगर बिहार के सबसे गरीब सांसद की, तो वो है अररिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने वाले प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह के पास महज 50 लाख रुपए की संपत्ति है। प्रदीप सिंह कई बार इस इलाके से सांसद रह चुके हैं। बावजूद इसके अगर उनके पास वाकई में महज 50 लाख रुपए हैं, तो ये आश्चर्य की बात तो है। प्रदीप सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के निवर्तमान सांसद रहे सरफराज आलम को पराजित कर अररिया के सांसद का खिताब हासिल किया था। इसके पूर्व 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप सिंह को राजद के तस्लीमुद्दीन से पराजित होना पड़ा था। अब इस सूची में जो दूसरा नाम है वो बेहद चौंकाने वाला है। बिहार के सबसे गरीब सांसद में से एक हैं राजकुमार सिंह यानी आरके सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आरा से निर्वाचित हुए हैं। आरके सिंह ने CPIML के प्रत्याशी राजू यादव को पटखनी देकर दूसरी बार लोकसभा का सफर तय किया है। राजू यादव को राजद और कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अब आरके सिंह की संपत्ति की बात करें तो उनके पास महज 58 लाख रुपए की संपत्ति है। अब गरीब सांसदों की सूची में आरके सिंह का नाम आना इसलिए भी आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले आरके सिंह बड़े नौकरशाह रह चुके हैं। आरके सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं। आरके सिंह पटना के DM से लेकर भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव तक के पद पर रह चुके हैं। और इसके बाद नंबर आता है भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर निर्वाचित होने वाले अजय मंडल की। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक अजय मंडल के पास कुल 68 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। अजय मंडल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर से राजद के प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को पराजित किया था। धन्यवाद।